यूपी के मैनपुरी जिले में यूपी टेट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी की शिक्षक परीक्षा केंद्र के बाहर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक परीक्षार्थी पर शक होने पर उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से पुलिस ने एक छोटी सेल समेत कुछ डिवाइस बरामद कर ली, जो जनपद कन्नौज से मैनपुरी आया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कुरावली थाना इलाके के आदर्श राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय का है, जहां शिक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि जब वे परीक्षा केंद्र के बाहर आने वाले परीक्षार्थियों की चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें एक युवक पर शक हुआ, तो उन्होंने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक छोटा सेल एटीएम की साइट के लिप्त होने के डिवाइस बरामद किए। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान आलोक कुमार पुत्र लालाराम निवासी नगला जनपद कन्नौज के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तो उसके बाद छोटा सा सेल था, मैंने सर्च किया गेट पे तो सेल निकला, मैंने देखा और कुछ होगा इसके पास, तो वो कांपने लगा, थोड़ा बहुत कांपने लगा, तो देखा जितना बड़ा कुछ अडैप्टर टाइप का था, उसमें ऑन ऑफ करने की कुछ चीज़ें थी, उसके ऊपर से एटीएम का साइज छपा हुआ था कि देखने में लग रहा था कि वो एटीएम इस तरह का था। कान में और देखा गया तो कान में इतना बड़ा कैप्सूल टाइप का, ब्लूटूथ बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसको, वो उसके कान में अंदर लगा हुआ था। फिर वो बाहर निकाला गया और पुलिस के लोग भी थे, जीओ साहब भी थे, सब लोगों ने देखा उसको, उनको बता दिया गया कि देखो ये बच्चा इस तरह की चीज़ें लेकर गया है। वहाँ पे हम थे, सर थे और हमारे स्टाफ के 3-4 लोग थे, सभी ना जितने गेट पर सर्चिंग के लिए लगाए गए थे। अब की उससे कार्रवाई की जाए, वो डाल गया था, वो तो सर्च के बाहर ही मिला हुआ, गेट पर सर्चिंग के सर्चिंग के दौरान मिला हुआ, एग्जाम भी नहीं शुरू हुआ था, जैसे हम लोग गेट पर सर्च करते हैं। एक जनपद कन्नौज का रहने वाला आलोक कुमार करके छात्र है, जो कि आदर्श इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आ रहा था। मेन गेट पे ही तलाशी के समय में ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि धारण किए हुए भीतर जा रहा था, पुलिसकर्मियों द्वारा चेकिंग के समय पकड़ लिया गया और अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करने का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ है, और उसको फिलहाल हम लोग अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।